हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T जो कि बेस्ड है KTUP फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर, इसका 28 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अभी तक के जो 1 से 21 लेक्चर्स हैं उसमें आप लोगों ने स्टीरियो आइसोमिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमिज्म के बारे में पढ़ा। यूनिट 3 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, जिसमें अभी तक हम लोग नॉमनक्लेचर्स, क्लासिफिकेशन, सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फ्यूरॉन, पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन के बारे में स्टडी की। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए थायोफिन के कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल कंपाउंड कंटेनिंग थायोफिन न्यूक्लियस इज अ बीटा बायोटीन, दिस इज ऑल्सो नोन एज विटामिन एच। तो जो विटामिन एच होता है जिसको हम लोग बीटा बायोटीन भी कहते हैं, ये उसमें आपका थायोफिन न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आप देख सकते हो ये बीटा बायोटीन है जिसमें थायोफिन न्यूक्लियस है, जिसमें एक HH ग्रुप और NH-CONH ग्रुप और एक लॉन्ग चेन यहाँ पे जुड़ी हुई दिखाई दे रही, दैट इज़ बीटा बायोटीन। इसके मेडिसिनल यूज की बात की जाए तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सिटैक्सिस्टेन, इट इज़ यूज एज कार्डियोवैस्कुलर एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज हाइपरटेंशन। अगर पल्मोनरी की आर्टरीज में हाइपरटेंशन है, हाई प्रेशर है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सिटैक्सिस्टेन दिया जाता है। इसकी रिंग में देखिए थायोफिन रिंग है, जिसके एक तरफ CO-CH2 और बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, दूसरे साइड में सल्फरनेटेड कंपाउंड SOO है और NHONCl ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो डेट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सिटैक्सिस्टेन। सिमिलरली अदर ड्रग्स इज टीगाबीन, इट इज़ एंटी कन्वुलेशेंट मेडिसिन यूज विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, जिसमें दो थायोफिन रिंग जुड़ी होती हैं, एक ये और एक ये, साथ में एक प्रिडीन रिंग भी प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स इज लोनोक्सिकेम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोटेनोक्सिकेम, इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो ये इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए लोनोक्सिकेम दिया जाता है, जिसमें आप देख सकते हो थायोफिन रिंग्स प्रेजेंट दिखाई दे रही है। तो ये थे कुछ मेडिसिनल यूज ऑफ थायोफिन। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव एरोमेटिसिटी ऑफ पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन्स की। तब तक आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।